वो यहाँ आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर, अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है। जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था। कोई बात सर, जो अंदाता है वो चक्रव्यूह से निकलने के लिए, आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए जो आपने बनाया तीन काले कानून, जमीन अधिकरण बिल को आपने कमजोर किया, उनको आप सही दाम नहीं देते हो, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने आपसे सिर्फ एक चीज मांगी है। दो चीजें नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है। उन्होंने कहा है कि हमें लीगल गारंटीड एमएसपी दे। आपने उनको बॉर्डर पे बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक रोड बंद है, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो यहां आए, मुझसे मिलने आए, आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे। माननीय सदस्य, आप सदन में असत्य नहीं कहे। आप वो सर, आप सर, एक मिनट, हाँ चलिए, चलो बताएं, मैं बताऊंगा। स्पीकर सर, वन सेकंड, स्पीकर सर, मैं आपको बताता हूं, जो मुझे मालूम है, स्पीकर सर, मैं आपको बताता हूं। बैठिए। स्पीकर सर, हुआ क्या? वहां पे सर मुझसे मिलने एक फार्मर का डेलीगेशन आया, मुझे बताया गया कि फार्मर के डेलीगेशन को अंदर नहीं आने देंगे। मैं उनसे मिलने जब गया तब उनको अंदर आने के दिया गया था। सर ये फैक्ट है सर, अब पता नहीं कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ वो अलग बात है, बट फैक्ट यह है कि जब मैं मीडिया के साथ वहां गया तब दरवाजे पार्लियामेंट के, संसद के, उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे। ठीक है, और यह आप उनसे भी पूछ लीजिए सर। प्लीज प्लीज, नो प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज, आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूं। ऐसे तो सदन की व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। किसको आने दें, एक मिनट प्लीज बैठिए, किसको आने दें, किसको अलाउ नहीं करने दें, ये स्पीकर का ज्यूरिडिक्शन होता है। नंबर एक, जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। हाँ, और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, बट सर प्लीज, नो माने सर, आप मत बोलिए, आपके नेता बोल रहे हैं। तो स्पीकर सर, महिला आरक्षण आया था तो ये आपको बेटे बेटे कौन सा करने का अधिकार है? माननीय माननीय प्रतिपक्ष के नेता आपके बेटे बेटे सदस्य कमेंट्री कर रहे हैं, फिर वो कहते हैं इधर के लोग क्यों कमेंट्री कर रहे हैं? सर हम चाहते थे, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अंदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी, हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है
हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इस बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं जो चक्रव्यूह में आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं वो निकल पाते, ये हमारी थिंकिंग थी। मगर आपने नहीं किया, तो मैं यहाँ इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूँ कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूँ, गारंटीड लीगल MSP हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.